सारे फरमाए वयक्सुरुल हरज, हरज आम हो जाएगा। आखिरी अलामत इंशाल्लाह बकिया फिर अगले जुमा के अंदर बयान करेंगे। हरज आम हो जाएगा। हरज क्या है? सहाबा ने पूछा तो आपने फरमाया अल-क़त्ल, कत्ल। कुर्बे के अमर कत्ल आम हो जाएगा, छोटी छोटी बातों पर लोग कत्ल कर देंगे। अब अखबार पढ़ते हैं, देखते हैं ना, एक मरले की जमीन के पीछे भाई ने अपने भाई को कत्ल कर दिया, थोड़ी सी जमीन की खातर सगे यानी बेटे ने अपने बाप को मार दिया, यानी इस तरह की खबरें, छोटी छोटी बातों पर कत्ल। लड़ाई हुई, कत्ल हुआ, जब यानी उस बात की इन्वेस्टिगेशन की गई, पीछे एक पिज्जा निकला, यानी एक पिज्जे की बुनियाद पर कत्ल हुआ फैसलाबाद के इलाके के अंदर। तो छोटी छोटी बात पर बंदा मार देते हैं। मैनू क्या था, क्या क्यों सानू गल करती, साड़ी कौम नू एवें कहता, यानी छोटी छोटी बात पर कत्ल कर देते हैं। हालांकि कुरान क्या कहता है, एक बंदे को कत्ल करना सारी इंसानियत को कत्ल करना है, और एक बंदे की जान बचाना गोया के सारी इंसानियत की जान बचाना है। तो यहां पर छोटी छोटी बातों पर कत्ल कर दिया जाता है, फरमाया कत्ल आम हो जाएगा। तो ये सारी क़यामत की निशानियां से हमें चाहिए हम इन तमाम चीजों से बचे, हम ऐसे बदबख्त लोगों में से ना बने जो क़यामत की निशानियों पर यानी क़यामत की निशानियां बन रहे हैं, जो इन फितनों पर अमल कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें इन तमाम चीज़ों से बचाए, अल्लाह ताला हमें झूठ से बचाए, हक बात छुपाने से बचाए, कत्ल से बचाए, हमसायों के साथ बुरा सलूक करने से बचाए, फौश गोई से, फहाशी से, याबा गोई से अल्लाह ताला हमें बचाए, रिश्तेदारियों को तोड़ने से अल्लाह ताला हमें बचाए। ये जो लोग ख़ास लोगों को सलाम करते हैं ये भी क़यामत की निशानी है, अल्लाह ताला इस मामले से हमें बचाए। तो जितनी भी क़यामत की अलामत आपके सामने रखी, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला पहले मुझे फिर आपको हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।